मैं सीनियर प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम प्रिय गुरुजी प्रातस्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद और पुराण और सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत रण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योग एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरुजी हम लोग को सांख्य कार्य का को बहुत ही सरल शब्दों में समझा रहे हैं, तीसवीं कारिका को वो समझाएंगे। आत्मा का प्रकरण चल रहा है तो उसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं आदरणीय गुरु जी की ओर। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का सांख्य शास्त्र के इस विचार परंपरा में स्वागत है। तस्मात् तत्संयोगाद् अचेतनं चेतनावदिवलिंगं गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः। तात्पर्य यह है कि वह जो चेतन पुरुष, उस चेतन पुरुष के संयोग से जो अचेतन प्रकृति है, वह प्रकृति अचेतन चेतन वदिवलिंग, वह पुरुष के संयोग से चेतन के समान वह प्रकृति दिखाई पड़ती है तो अचेतन, किंतु वह अचेतन जो प्रकृति है वो पुरुष के संयोग से तत्संयोगा अचेतनम चेतना वदिवलिंगम, इसलिए वह चेतन जो चेतन है उसमें जो कर्तृत्व का ज्ञान हो रहा है उसका कारण मुख्य क्या है, तो पुरुष संयोगात। तब संयोगात माने पुरुष संयोगात, पुरुष के संयोग होने से जो अचेतन प्रकृति है वह अचेतन प्रकृति चेतना वदिवलि चेतन के समान वह प्रतीत होने वाली, गुण कर्तृत्व च तथा उसी प्रकार प्रकृति का जो त्रिगुणात्मक स्वरूप है उस वह भी उस समय प्रतीत होता है, साथ साथ में कर्तृत्व का भी स्वरूप होता है। वह जो उदासीन कर्ता पुरुष है, यद्यपि वह कर्ता हो परंतु क्या उदासीन है, फिर भी उसमें कर्तृत्व गुण कर्तृत्व ये दोनों की प्रतीत होती है उदासीन होने के बावजूद भी। इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, यतश्चैतन्य कर्तृत्व भिन्नाधिकरण युक्त तस्मात् भ्रांतिर्यम्। जिस तरह से ये इसमें इस पुरुष में चैतन्य और कर्तृत्व जो भिन्नाधिकरण, अर्थात चैतन्य यह जो है वो पुरुष का लक्षण है, क्योंकि चैतन्यता चेतनता वो पुरुष में होती है और कर्तृत्व प्रकृति में होती है, तो चेतनत्व का अधिकरण पुरुष है, कर्तृत्व का अधिकरण आश्रय वो प्रकृति है, इसलिए दोनों के अधिकरण भिन्न भिन्न है। परंतु यहाँ पर इस तर्क से यह सिद्ध हो जाता है कि पुरुष के संयोग को जो प्रकृति प्राप्त करती है तो पुरुष में ये दोनों स्वरूपों की भ्रांति हो जाती है, भिन्नाधिकरण युक्तता सीधे तस्मात् भ्रांतिर्यम्, अर्थात जो ये प्रतीति होती है पुरुष में कर्तृत्व की प्रतीति होती है और चेतनत्व की प्रतीति होती है भिन्नाधिकरण होने पर भी, एकाधिकरणत्वेन जो स्वरूप वहां पर भाषित होता है वो वस्तुतः वास्तविक नहीं है, क्या है वो भ्रांतिर्यम्, वो ऐसा भ्रम होता भ्रमात्मक ज्ञान। तो अब इसमें प्रश्न होता है कि भाई फिर उस भ्रांति का मुख्य हेतु क्या है, भ्रांति बीजम तत्संयोग तत्संधान,
भ्रांति का जो बीज है, भ्रांति होने का जो मुख्य हेतु है, वो है प्रकृति के द्वारा पुरुष के संयोग को प्राप्त करना। जब प्रकृति पुरुष के संयोग को प्राप्त करती है तो उसको चेतनत्व का अनुभव करती है उसके संयोग से, और पुरुष में कर्तृत्व की स्वरूप की स्थिति बनती है। तो तत्सन्निधा लिंगम महदादि सूष पर्यंतम वक्षति। लिंग क्या है? लिंग मतलब क्या होता है? लिंग मतलब तत्व विशेष, माने महत तत्व से लेकर के और जो है पंच भौतिक तत्वों तक, महदादि सूक्ष्म पर्यंत उसको कहेंगे, तो आगे उस पर विचार होगा। परंतु इतना अभी आवश्यक जानकारी रखने का तात्पर्य है कि यहां पर पुरुष के संयोग को प्राप्त करने पर प्रकृति में ये भ्रम हो जाता है कि ये कर्ता है, पुरुष कर्ता है, और जो है प्रकृति जो है वो चेतन इत्याकार को भ्रम होता है। तो लिंगम महादादि सूक्ष्म पर्यंतम वक्षित स्वागम कहेंगे, क्यों? अति तिरोहितार्थम अन्य, क्योंकि बुद्धि तत्व से लेकर के तन्मात्रा पर्यंत जो ये तत्व लिंग है, ये सब क्या है? ये अतितिरोहित है, अतितिरोहितार्थम, इनका जो अर्थ है, इनका जो स्वरूप है वो तिरोहित है, गुप्त है। उसको बाद में उसको स्पष्ट करके अलग अलग उस पर चर्चा होगी। अब यहाँ तत्संयोगात यह जो कथन है इसका मतलब क्या है? तत्संयोगात क्यों कहा गया? क्योंकि नच भिन्नयो संयोगापेक्षा बिना न चेयम उपकार बिना इत्यपेक्षा हेतु उपकार महापुरुष। क्योंकि भिन्न पदार्थों के परस्पर में संयोग की अपेक्षा नहीं होती, संयोग पाक्षाम बिना न भिन्न यो हो संयोग अपेक्षा बिना, ये जो दोनों विपरीत हैं तो विपरीतों के संयोग की अपेक्षा नहीं होती। तो जब विपरीतों के संयोग की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिगुणत है, एक अत्रिगुण है, एक अविवेकी है, एक विवेकी है, एक जो है एक में कर्तृत्व है, एक में अकर्तृत्व है, तो विरुद्ध धर्म वाले दोनों क्या संयोग की अपेक्षा के बिना संयोग संभव नहीं है? तो कहते हैं ठीक है, उपकारी उपकारक भाव मान लेते हैं। तो क्या उपकार उपकार उपकारी उपकारक भाव नहीं भी नहीं हो सकता है कि जो प्रकृत्यादि हैं ये सब उपकार्य हैं, पुरुष उपकारक है क्योंकि उनको चेतनत्व बना के उनसे प्रतिव कर्तृत्व कर्म कराता है, महादादि को जो है प्रसव हेतुत्व बनाता है, तो उसके बिना कैसे हो? का वो भी जो है उपकार्य उपकार भाव के बिना अपेक्षा हेतु भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए उपकारम आह पुरुषस्य, तो पुरुषस्य जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तस्मात् तत्संयोगात् चेतन चेतन योग्यः, वो पुरुषस्य पुरुष का यहाँ पर पुरुषस्य दर्शनार्थम आगे कारिका होगी जिसके विषय में ये विचार हुआ। आगे इस पर जो है हम लोग इस पर जो विचार है उस पर ये पुरुषस्य दर्शनार्थम का तात्पर्य क्या है, कैसे प्रकृति में चेतनत्व की स्वरूप की प्राप्ति बनती है और कैसे सृष्टि की प्रक्रिया प्रकृति के द्वारा होती है, इस पर हम लोग अगले दिन विचार करेंगे। आज यहीं पर शुरू विराम। धन्यवाद। इस प्रकार गुरुजी ने बहुत ही सरल शब्दों में पुरुष कि विभिन्न अर्थ समझाए कि वो किस तरीके से पुरुष चेतन है और प्रकृति आदि जड़ हैं, तो उनका जो भाव है, परस्पर संबंध है, उसकी व्याख्या की। ईश्वर आपकी सहायता करें, आप प्रसन्न रहें। थैंक यू।